हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग। अभी आप जैसे कि देख सकते हो, मैं किचन में हूँ और मैं बना रहा हूँ चाय। और शिवा बॉटल्स भर रहा है क्योंकि पानी ठंडा ठंडा पियेंगे तब जाके। ओ भाई, निकाला हुआ गिलास कितने निकालेगा। अमन वेट कर रहा है कब जिसको चाय मिले और जी चाय पिए। एक और गुड न्यूज़ है, भैया भी आ चुके हैं। बट भैया हमारे जाने से पहले कहीं पे शायद गए हुए हैं, तो जैसे भैया आएंगे तो भैया से मिलेंगे। बाकी ठीक है, हम चाय पी लेते हैं और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। मम्मी नहीं है तो पूरे घर का काम हमें ही करना पड़ेगा। जल्दी अभी मैं निकाल रहा हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू इसलिए निकाल रहा हूँ तो मम्मी नहीं है तो मुझे निकालनी पड़ेगी। सब जगह निकालूंगा झाड़ू आज। उसके बाद पोछा भी मार लूँगा, पोछा भी मारना पड़ेगा। देखता हूँ टाइम हो तो मैं मार दूँगा पोछा। तो गाइस, अभी हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं मूवी देखने, भूल भुलैया 2। मैं, अमन, शिवा जा रहे हैं और ट्रेटॉन मॉल में जाएंगे। बाकी बहुत मजा आने वाला है। और क्या, हाँ एक बात और, दोस्तों से कई दोस्त ऐसे होते हैं जो बहाने भी बहाने मारते हैं कि मुझे माँ के साथ जाना है, मेरे पास पैसे नहीं। पैसे वाला ना यार, ये बड़ा गंदा लगता। मतलब यार कितने की टिकट आती है, 150 रुपये की, पर नहीं चलते क्योंकि जाना नहीं होता ना साथ में। तो सबसे बेटर है अकेले जाओ, किसी को मत पूछो, अकेले चले जाओ। तो अभी हम निकल रहे हैं, बस भैया बाइक लेके आ रहे हैं और फिर हम निकल रहे हैं और सीधा वहीं पे मिलेंगे ट्रीटॉन मॉल में। तब तक के लिए बाय। अभी हम ट्रीटॉन मॉल में आ गए हैं और पार्किंग पुर्किंग इतना संघर्ष करने के बाद हमें मिल गई और ये हमारा ट्रीटॉन मॉल देख सकते हो। वैसे कोई अचानक से आइडिया बन गया, नहीं तो मैं तो नहीं आने वाला था। मैंने सोचा बच्चे खुश हो जाएंगे चुचुंगे खुश हो जाएंगे। चलो चलते हैं, ये एंट्री गेट है इधर। ये हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और जैसा कि पहले आप लोगों ने देखा था, ट्रीटॉन मॉल कुछ इस टाइप का है। मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ मिल सकती है, हर एक चीज़ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इधर आए, इधर इधर इधर, हमें इधर की तरफ जाना है। उधर ही तरफ जा रहे हैं। और ये देखो, ये रहे भूत बंगले, बहुत सारे, हर एक टाइप की। उत्ती देखो कैसे निकल रहा है। ये वाले मैंने गॉगल्स लिए, पर ये मैं आपको घर पे दिखाऊंगा। और मुझे ये वाली वॉच पसंद आ गई थी ये, पर मैंने ली नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी लूंगा। दीदी के पास मैं पहले भी आया था एक बार, मैंने पहले बताया दीदी दीदी ये परमानेंट शॉप है। वैसे कभी किसी को चाहिए हो तो यहाँ पे आ सकते हो ट्रीटॉन मॉल में। तो फिलहाल हमें यहाँ पे टिकट्स नहीं मिली, तो आप अभी जाए सीन स्टार, तो वहाँ पे मूवी देखेंगे। चश्मा में पता नहीं कैसा लग रहा हूँ गाइस, बताना मुझे। स्मार्ट लग रहा हूँ क्या मैं? सच सच बता दो, ये कार कब आ गई? मैंने तो मंगवाई नहीं यहाँ पे, मेरे पूछे बगैर कौन लेके आ गया? तो गाइस मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ मूवी देखने के लिए, क्योंकि सीट ही नहीं थी, बिल्कुल फुल हॉल था, सिर्फ एक सीट खाली थी जिसको मैंने ले लिया। और शिवा और अमन देखेंगे वो शाम को 6 बजे का शो देख लेंगे। मैं यहाँ से देख के चला जाऊँगा, फिर उनकी टिकट बुक कर दूँ। अभी तक तो मूवी काफ़ी अच्छी चल रही है और देख सकते हो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है मतलब। और मूवी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ठीक है, न्यू स्टोरी है बिल्कुल ही। तो फिलहाल तो कुछ खा लेते, कुछ मुझे लग रही है भूख बहुत ज़्यादा, एंड चलते हैं वहाँ पे कुछ खाते हैं। अभी मैंने मूवी देख ली और मूवी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, ठीक है मतलब। और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, अमन और शिवा है उनको मैंने टिकट दिला दी, वो गए मूवी देखने के लिए। और भैया को मैंने ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा कर दिए थे तो मुझे वापस नहीं दे रहे थे, फिर भाई ने मेरी हेल्प की
भाई को मैं पहले से जानता हूँ, ये एक टैटू आर्टिस्ट है, इनकी शॉप भी है कहाँ पे, ट्रीटॉन मॉल में है, बढ़िया काम करते हैं। और अभी फिलहाल तो घर जाने की तैयारी है, तो मैं सीधा आपसे घर पे ही मिलूँगा, तो बाय। मैं घर पे आ गया हूँ और मूवी तो कुल मिला के ठीक ही थी, मतलब अच्छी मूवी है, जाओगे तो बोर नहीं होगे और बहुत फनी मूवी है, कॉमेडी वाली है, हॉरर भी है काफ़ी जगह पे, मैं तो डर गया था सही बताऊँ, मुझे तो वैसे मैं डर जाता हूँ। बाकी मैंने दिखाया है, मैंने गॉगल्स भी लिए थे और शिवा और वो देखने गए मूवी, घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो सबसे पहले मैं खाना बनाऊँगा, राइस बना लूँगा, आसान है। आप सुबह आ रहे हैं पापा और जीजू, साथ में विष्णु है, मेरे पास कॉल आया था, मम्मी भी कर ली आएंगे और फिर सभी से मिलेंगे। तो सबसे पहले मुझे सब कुछ बनाना पड़ेगा यार, दिमाग ख़राब होगा। और अभी मैं ब्लॉग एडिट करने जा रहा हूँ, तो ब्लॉग एडिट करने के बाद ही मिलूँगा। सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना, बाकी बस अपना साथ बनाए रखना, सबको लव यू मेरी तरफ से। और बताना आज तुम्हारे भाई का लुक कैसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था या नहीं लग रहा था, जश्न में कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, वो बता देना मुझे। एंड बाय, जय श्री राम।